रेडमी नोट 11 प्रो मैक्स ये फ़ोन बेस्ट एंड अमेजिंग होने वाला है बिकॉज रेडमी नोट 11 प्रो मैक्स इज़ ऑफरिंग बेस्ट स्पैक्स एंड फ्लैक्सिबल स्पैक्स इन दिस फ़ोन एंड दिस फ़ोन इज़ कमिंग ऑन अक्टूबर मिड। अगर इस फ़ोन के लॉन्च डेट में थोड़ा सा भी डिले होता है तो देन कन्फर्म है अक्टूबर के एंड तक ये फ़ोन इंडिया के अंदर ऑफिशियली लॉन्च होने वाला है, क्योंकि अभी ना रेडमी एक बहुत बड़े लॉन्च की तैयारी में, वो भी चाइना के अंदर, एंड कन्फर्म है अभी रिसेंट में जो लॉन्च इवेंट होने वाला है वो रेडमी नोट 11 सीरीज़ का होने वाला है। दैट्स इट, कन्फर्म ये फ़ोन इंडिया के अंदर बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो अगर आप लोग भी एक्साइटेड हो तो आप इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिए, द मेनी अपडेट्स आर कमिंग रिलेटेड रेडमी नोट 11 प्रो मैक्स। तो अगर आप लोग एंड तक देखते हो तो आप लोगों का डाउट भी क्लियर हो जाएगा, एंड अगर आप लोग जानना चाहते हो इन डिटेल कि इस फ़ोन के अंदर कैसा स्पैक्स मिलेगा एंड ये फ़ोन किस प्राइस पॉइंट पर आने वाला है एंड इस फ़ोन का क्या कन्फर्म रिलीज डेट है, तो आप इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। वीडियो बेस्ट एंड इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड इस वीडियो में एवरीथिंग कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। इन दिस टाइम इस फ़ोन के अंदर एवरीथिंग चेंज मिलने वाला है एंड कन्फर्म है ये फ़ोन एज अ फ्लैगशिप चिपसेट पे रन करने वाला है। इस फ़ोन के अंदर न्यू क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 780G डुअल 5G चिपसेट मिलने वाला है, जो एक बेस्ट चिपसेट है, एंड प्लस ये हाई क्लॉक स्पीड पे रन करने वाला है 2.6 GHz पे। प्लस ये चिप ना 6 नैनोमीटर के AI टेक्नोलॉजी पे बेस है। इस फ़ोन के अंदर हैज़ अ स्टार्टिंग वेरियंट 6GB 128GB स्टोरेज वेरियंट मिलने वाला है एंड मिड वेरियंट यहाँ पे 8GB 128GB एंड एज अ टॉप एंड वेरियंट इस फ़ोन के अंदर 12GB 256GB। प्लस इस फ़ोन के अंदर ना रीड और राइटिंग स्पीड भी और इंक्रीज कर दिया गया है एंड दिस फ़ोन इज़ कमिंग ऑन एंड्रॉयड 12 एंड इस फ़ोन के अंदर ना MIUI 13 का न्यू अपडेट भी देखने को मिलेगा। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, कंफर्म है ये फ़ोन हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले के साथ आने वाला है एंड इस फ़ोन के अंदर 120Hz का हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले मिलने वाला है विद सुपर एमोलेड पैनल एंड 480Hz का टच सैम्पलिंग रेट, 6.7 इंच का डिस्प्ले साइज, फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन इस फ़ोन के अंदर मिलेगा। प्लस इस फ़ोन के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो एक बेस्ट फिंगरप्रिंट स्कैनर होने वाला है एंड लेटेस्ट जनरेशन का होने वाला है, तो जो अनलॉकिंग फीचर आएगा वो बहुत ही फास्ट रहने वाला है एंड इस फ़ोन के एज अ सिंगल पंचोल फॉर सेल्फी टॉप लेफ्ट कॉर्नर के अंदर मिलेगा, जो बेस्ट होने वाला है एंड बहुत ही छोटा सा माइनर सा पंचोल होगा एंड इस फोन के अंदर HDR 10 प्लस का सपोर्ट कर्व डिस्प्ले भी देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल जो डिस्प्ले में अपग्रेड है ना वो ग्रेट इस फोन के अंदर। कैमरे के बारे में बात करते हैं, कंफर्म है दिस फोन इज़ कमिंग विद द न्यू क्वाड कैमरा सेटअप एंड इस फोन के अंदर न्यू सेंसर्स भी देखने को मिलेगा। ऑलरेडी कंफर्म है एज अ प्राइमरी कैमरा इस फोन के अंदर सोनी का न्यू सेंसर मिलने वाला है 108 MP का एंड सेकेंड सेंसर ऑल्सो गोइंग टू बी गुड, क्योंकि इस फोन के अंदर 16 MP अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलने वाला है एंड थर्ड सेंसर टेलीफोटो लेंस 8 MP एंड फोर्थ सेंसर 5 MP डेप्थ सेंसिंग। अगर हम बात करते हैं फ्रंट सेल्फी कैमरे के बारे में एंड कन्फर्म इस फोन के अंदर बेस्ट फ्रंट सेल्फी कैमरा मिलने वाला है, क्योंकि सोनी का न्यू सेंसर्स मिल सकता है इन द फ्रंट सेल्फी, क्योंकि 44 MP का AI बेस्ड सेल्फी कैमरा मिलने वाला है जो ओवरऑल एज अ बेस्ट कैमरा होने वाला है। प्राइसिंग एंड इंडिया रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं, कंफर्म है दिस फोन इज़ कमिंग विद द गुड प्राइसिंग, क्योंकि रेडमी नोट 11 प्रो मैक्स का प्राइसिंग ऑलमोस्ट 99% कंफर्म हो चुका है एंड ये फ़ोन एज अ स्टार्टिंग वेरिएंट 6GB 128GB इंडिया के अंदर अवेलेबल होने वाला है 19,999 के प्राइस पॉइंट पे एंड इस फ़ोन का प्राइसिंग ऑलमोस्ट 99% कंफर्म हो चुका है। तो इस फ़ोन का प्राइसिंग मेरे को बेस्ट लगा एंड इस प्राइस पॉइंट पे इस फ़ोन के अंदर फ्लैगशिप स्पैक्स भी देखने को मिल रहा। तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स आप लोगों इस फ़ोन का प्राइसिंग कैसा लगा एंड स्पैक्स। इंडिया रिलीज डेट के बारे में बात कर दें तो इस फोन के रिलेटेड बहुत सारे अमेजिंग अपडेट्स आए हैं इंडिया रिलीज डेट के रिलेटेड। दिस फोन इज़ कमिंग ऑन अक्टूबर मिड। अगर इस फोन का रिलीज डेट थोड़ा सा डिले होता है तो कन्फर्म है ये फ़ोन अक्टूबर के एंड तक मिलने वाला है। दैट्स इट फॉर इन दिस वीडियो। तो अगर अच्छा लगा ये वीडियो, मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक से एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।